क्या आप लोगों को पता है कि आज 9 मुहर्रम है? और आप लोगों को ये भी पता होगा कि 9 मुहर्रम में क्या एक्टिविटीज़ होती है मुहर्रम के दिन। तो आज छुट्टी थी और मैं बहुत आराम से उठी थी, मैंने अपनी नींद भी पूरी की है। तो आज मैं आपसे अपनी सारी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। और आज छुट्टी का दिन था, मैं बाबा से कहा कि तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग बाहर से नाश्ता ना करें। तो फिर मैं बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे हलवा पूरी ला दें। तो अब देखते हैं कि वो क्या लाए हैं। और आज की मैं आपसे सारी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमने आज फुल डे मुहर्रम के दिन क्या क्या किया। और मैं आपसे सारा कुछ अभी शेयर करूँगी। चले आए, देखते हैं कि मम्मा ने बाहर नाश्ता रेडी किया है या नहीं और बाबा मेरे लिए क्या लाए हैं। ये हमारा हलवा है, ये छोले और ये पूरियाँ। हम मुझे बहुत अच्छी लगती है हलवा पूरियाँ और मेरा फेवरेट नाश्ता है। मम्मा मेरी ग्रीन टी पीती होती है और बाबा ब्लैक टी। फिर मेरी मम्मा ने पुलाव बनाया था, पानी रखा, चीनी और मैंगोज़ रखे थे और हमने ख़त्म पढ़ा। हम सब ने सूरह यासीन पढ़ी। हम जो हमारे रिश्तेदार फोत हो गए हमने उनके लिए भी दुआएं की। और जो मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जो मेरा व्लॉग रोज़ देखते हैं हमने उनके लिए भी बहुत दुआ की। हम लोग मुहर्रम के दिन हर वक्त ख़त्म पढ़ते हैं। फिर बाबा और रियान गए और उन्होंने पूरे मोहल्ले में चावल बांटे। बहुत मज़े का पुलाव बना था। हम लोगों ने गरीबों में बांटा और सारे रिश्तेदारों में बांटा। हमने जब उन्हें दिया तो उन्होंने भी हमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दी। किसी ने हलवा भेजा, किसी ने खीर, किसी ने पुलाव और हमें बहुत मज़ा आया। दुआ और खैरात करने के बाद बाबा हम सब बच्चों को कब्रिस्तान ले गए। उधर हमने अपने दादा और दादी की कब्र पे दुआ की और हमारे उधर और रिश्तेदारों की भी कब्रें थी, हमने उधर भी दुआ की। हमने सब कब्रों पे घास लगाई और फिर हमने हर कब्र पे पानी दिया। फिर जब हमने अपनी दादी की कब्र पे दुआ वगैरह कर ली तो फिर अभी हम अपने दादा की कब्र पे आए हैं। देखिए इधर अभी हम पानी देते हैं, हम दुआ करते हैं। बाबा हमें हर ऐसे मौके पर कब्रिस्तान ले जाते हैं, जैसे ईद हो गई, शबे बारात, मुहर्रम के दिन हर वक्त बाबा में ले जाते हैं। हम उधर पानी भी देते हैं, साफ़ करते हैं कब्र पे। और आप लोगों को भी हमारी तरह हर मौके पर जाना चाहिए कब्रों पे, दुआ करनी चाहिए, पानी देना चाहिए। आपको भी इस तरह करना चाहिए अपने बुज़ुर्गों के लिए। फिर मैं आपको एक फॉर्म दिखाती हूँ जहाँ से हम लोग मिल्क लेते होते हैं। ये एक बहुत प्यारा फॉर्म है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ से हम लोग अपने लिए मिल्क लाते होते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी बफलोज है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है। यहाँ पर 2 बफलोज के बच्चे भी हैं। यहाँ पर सारा कुछ नीट है, क्लीन है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। वहाँ पर जहाँ पर बफलोज खड़ी हैं वहाँ पर इनके लिए चारा भी डाला हुआ है, इनका खाना। और ये इधर बहुत बिल्कुल साफ पानी डाला है। सारी बफलोज पी भी रही हैं, बहुत प्यासी हैं। ये बहुत प्यारा सा फॉर्म है, यहाँ पर दूध भी फ्रेश मिलता है और बिल्कुल साफ मज़े मज़े का दूध यहाँ पर मिलता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी बाबा के साथ यहाँ पर चक्कर मारने आ जाते हैं। मुझे फॉर्म बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ा एक प्यारा सा फॉर्म है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, अभी शाम है तो हम लोग अभी ऊपर आए हैं। अभी हम लोग स्किपिंग रोप का चैलेंज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अफसा, मुझे भी स्किपिंग द रोप करने आती है। अभी मैं करूंगी, आप देखना। चलाएं हम लोग अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ऊपर से अभी खेल कर आए, ऊपर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था तो हमें भूख लग गई थी तो हमने
स्नैक्स अभी इंजॉय करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें। रियान आओ ना, तुम भी हमारे साथ इंजॉय करो। अकेले अकेले मेरे साथ भी शेयरिंग करनी है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फेवरेट स्नैक है। हमें मुहर्रम की दो छुट्टियां मिली थी और काम भी काफी ज्यादा मिला था, तो मैंने सोचा अपना काम कर लूं। अभी मेरा होमवर्क टाइम है, मैं अपना होमवर्क करती हूं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। कभी भी मैं आ जाके मैं आपसे ज्यादा